बाबा श्याम की एकादशी व्रत का पारण करना क्यों जरूरी है? क्या खाकर करें बाबा श्याम के व्रत का पारण? जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। बाबा श्याम को प्रिय एकादशी व्रत का पालन जितना करना जरूरी होता है उतना ही जरूरी है सही समय पर व्रत का पारण करना। व्रत के पारण के विषय में कात्यायन संहिता में वर्णन किया गया है। प्रातःकाल में स्नान करके बाबा श्याम की पूजा आराधना करने के बाद भक्तों को अपना उपवास बाबा श्याम को अर्पित कर देना चाहिए। एकादशी व्रत के पुण्य प्राप्त करने के लिए इस व्रत के पारण के साथ बाबा श्याम का स्मरण करना चाहिए। व्रत के पारण के लिए पद्म पुराण में वर्णन किया गया है, मनुष्य जिस प्रकार बिना स्नान किए सरस्वती नदी में अपने चरण डालता है तब उसी प्रकार जो व्यक्ति एकादशी बाबा श्याम के व्रत का पारण नहीं करता है वो अपने सारे पुण्य को खो देता है। यदि आपने द्वादशी के दिन अपने एकादशी के व्रत का पारण नहीं किया है तब उस मनुष्य के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें बाबा श्याम के एकादशी व्रत का पारण सही नियमित समय पर ही अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवसर में नहीं करना चाहिए। बाबा श्याम की एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाता है? जैसे आप एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त पर उठते हैं वैसे ही द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त पर उठना है। स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहन लें, उसके बाद बाबा श्याम की मंगला आरती करें। आरती आप अपने घर के मंदिर में या फिर आसपास के किसी भी श्याम मंदिर में जाके कर सकते हो, या अगर आप खाटू धाम गए हुए हैं तब बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए तब आप खाटू धाम मंदिर में बाबा श्याम की मंगला आरती ले सकते हैं। अगर आपके लिए इनमें से कोई सी आरती करना संभव नहीं है तब आप बाबा श्याम की ऑनलाइन मंगला आरती ले सकते हैं और उसके बाद व्रत पारण के समय आप बाबा श्याम के समक्ष जाएं और उनकी पूजा आराधना करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें और बाबा की द्वादशी की ज्योत जलाएं और फिर बाबा श्याम को खीर चूरमे का भोग लगाएं और साथ ही बाबा श्याम के समक्ष घी की ज्योत जलाएं। बाबा श्याम की द्वादशी की ज्योत कैसे जलाते हैं मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई हुई है, इस चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। फिर बाबा श्याम की चालीसा का पाठ करें और क्षमा याचना करते हुए बोले, हे बाबा श्याम मैं अज्ञानता के अंधकार में हूँ, हे केशव बाबा श्याम इस दोष रहित व्रत से प्रसन्न होकर कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करिए, और फिर बाबा श्याम से प्रार्थना करें। खाटू वाले श्याम बिहारी कलिकाल में तेरी महिमा है न्यारी, हारे हुए का तुम हो सहारा कहलाए जग में प्रभु कष्ट हारी, मैं भी शरण में तुम्हारी पड़ा हूँ तारो न तारो है मर्जी तुम्हारी, मेरे हृदय का अरमान है यह निगाहों में बस जाए सूरत तुम्हारी, आठों पहर में तुम्हें ही निहारूं बातें करूं तो करूं मैं तुम्हारी, हमें प्रीत तुमसे हुई श्याम प्यारे तुम्हें प्रीत भाई तो होगी हमारी, माया में लिपटे हुए जीव हम हैं दया की नजर हम पे करना तुम्हारी, जब भी जन्म लूं बनूं दास तेरा सेवा में अपनी लगाना बिहारी, नंदू हृदय कुंज में गूंज गूंजे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी, श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी, श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी, खाटू वाले श्याम बिहारी कलिकाल में तेरी महिमा है न्यारी, खाटू वाले ननंद दुलारे भक्तों के प्यारे श्याम हमारे, तुमसा नहीं था कोई बलशाली ये बात खुद श्री विधाता ने मानी,
शीश देकर बन गए दानी, अमर हो गई ये तेरी कहानी। हारे हुए का साथ निभाए, ये वर है तुमने माता से पाए। हम भी शरण में आए तिहारी, हम सब को तारो श्याम बिहारी। तब बाबा श्याम को इस प्रकार प्रार्थना करें और एकादशी व्रत के पुण्य फल को बाबा श्याम को समर्पित करिए। अगर संभव हो सके तो आप द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन कराएं और अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। दान में आप जैसे अन्न, वस्त्र, चप्पल, छाता, बर्तन इत्यादि दे सकते हैं। ऐसा करने से करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने घर पर भोजन नहीं करा सकते हो किसी कारणवश, तब आप भोजन या अन्न, वस्त्र, पैसा दान मंदिर में भी करके आ सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हो। वैसे कोशिश करें कि पैसे का दान ना दें, क्योंकि जो हम दान में देते हैं पैसे, अगर उसका गलत इस्तेमाल होता है तब उसका पाप हमें ही लगता है। तो कोशिश करें पैसे का दान ना दें। उसके बाद आप स्वयं व्रत का पारण करिए। अगर आप निर्जला व्रत करते हैं हर एकादशी का, तब आप बाबा श्याम के पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। उसके बाद आपने जो बाबा श्याम के भोग के लिए जो बनाया है, खीर चूरमा हलवा जो भी भोग बनाया है, उसको आप खाएं। एकादशी का व्रत पारण करते समय थोड़े से चावल ज़रूर ग्रहण करें। ऐसा कहा जाता है द्वादशी के दिन चावल खाने से जितना आप चावल खाते हो उतने कीड़े मकोड़ों को मुक्ति मिलती है। और जिन्होंने जल या दूध के साथ व्रत किया है वो भी हल्का फुल्का अन्न ले सकते हैं। इस तरह आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। विधि के साथ व्रत पारण होगा, शुभ फल की प्राप्ति होगी और बाबा श्याम के आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। इस तरह से व्रत करने से बाबा श्याम होते हैं प्रसन्न। बाबा श्याम के एकादशी व्रत के पारण में ना खाएं ये। व्रत पारण के समय मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए और बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए खाटू के राजा श्याम चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हारे का सहारा बाबा श्याम, हमारा जय श्री श्याम।